नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समय अनुसार करीब 9 बजे सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री देश के औद्योगिक विकास और क्रांति को विश्व विचार व्यक्त करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आरंभिक भाषण देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिडनी संवाद 17 से 19 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा और ये ऑस्ट्रेलियाई के सामरिक नीति संस्थान की एक पहल होगी। और दरअसल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनेताओं, उद्योग हस्तियों समेत सरकारी प्रमुखों का व्यापक चर्चा पर विचार पेश करना है और साथ ही महत्वपूर्ण उद्योगिक कार्यों को भी उत्पन्न अवसरों को चुनौती की सामान्य समक्ष विकसित करने का दिशा में काम भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की संबोधन होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले स्कॉट मॉरिसन के मुलाकात भी की थी और इसके साथ ही उन्होंने हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की थी। वहीं इस बैठक से पहले दोनों ने फोन पर बातचीत की थी और इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलियाई व्यापक रणनीति पर भी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों की माने तो 13 दिसंबर से ही एक महीने तक वाराणसी में बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जाएंगे और इस दौरान ही बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन भी वाराणसी में होगा। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का वाराणसी में सम्मेलन और पूरे देश के मेयरों का भी सम्मेलन होगा। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया है और इस महीने के आखिर तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराया गया है। इसकी लंबाई भी कई किलोमीटर बताई जाती है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एयर शो हुआ था जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवाई करतब दिखाए और भारत की मजबूत सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा और ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है और ये एक्सप्रेसवे नई यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा जबकि 23 दिसंबर को सत्र का समापन होगा। इस बार संसद का सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों को नेताओं को चर्चा करेंगे और इसके साथ ही उम्मीद जताई गई है कि सत्र निर्बाध चलेगा और कार्य मंत्रण समिति में ही सभी मुद्दों के सार्थक चर्चा होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित कई विपक्षी दलों ने आगामी संसद सत्र के दौरान ही पेगासस जासूसी मामले, महंगाई और 3 कृषि कानून, ईडी सीबीआई चीफ के कार्यालय बढ़ाने को लेकर लाए गए अध्यादेश सहित कई अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में पेगासस जासूसी मामले और महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने ही सोमवार को कहा कि विपक्षी दल संसद सत्र के दौरान भारत को निर्वाचित तानाशाही बनाने का प्रयास को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है कि डेरेक ओब्रायन ने भी कहा है कि पार्टी सत्र में सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के साथ साथ महंगाई, किसानों के विरोध प्रदर्शन और कई अधिकारियों के क्षेत्र को बढ़ाने के मुद्दे भी उठाएगी। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ये कहा है कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में आसन की व्यवस्था होगी और इसके साथ ही चर्चा भी की जाएगी।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार जल्द ही ओल्ड इवन भी लागू कर सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि प्रदूषण कम करने के लिए विकल्पों को तलाशने और उन पर काम करने के लिए विचार किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जिसको लेकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, पुराने वाहनों, थर्मल प्लांट को बंद किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ऑड इवन के सहमति बन जाती है तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की समिति बनाई गई है जो इस प्रदूषण से निपटने के लिए विकल्पों को तलाश कर रही है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। पहले सरकार ने 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन हालात को देखते हुए 1 दिसंबर तक इस फैसले को बढ़ा दिया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को भी तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वसूली के आदेश दिए थे, और इस संदर्भ में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने शरद पवार को भी ध्यान में लाते हुए बात कही है। ये जानकारी खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागपुर में साझा की है। नागपुर में शरद पवार ने कहा कि एक दिन परमवीर सिंह मुझे मिलने आए, मुझे बताया कि अनिल देशमुख के संदर्भ में मेरी एक शिकायत है। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। उन्होंने मुझे बताया कि अनिल देशमुख ने हमें वसूली करने की सूचना दी है। मैंने उनसे सवाल किया कि अनिल देशमुख ऐसी सूचना देंगे, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, और अगर दी भी होगी तो फिर आपको सूचना पर अमल करने की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि मैंने परमवीर सिंह से कहा कि क्या आपने ऐसा किया जो अब मुंबई पुलिस आयुक्त ने ही इस सूचनाओं पर अमल नहीं किया, तो फिर अनिल देशमुख का दोष क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने परमवीर सिंह से पूछा कि आप क्यों अनिल देशमुख को लेकर गैर प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। जब ये बात अनिल देशमुख के सामने आई तो उसी दिन शाम को अनिल देशमुख ने मुझसे मुलाकात की और कहा कि अगर आयुक्त ऐसा आरोप लगा रहा है तो जब तक इन आरोपों की पूरी जांच नहीं होती है तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। शरद पवार ने कहा कि ये सब क्यों केवल एक आयुक्त द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से हुआ है, आज कहां है, और परमवीर सिंह आज उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। आईएमडी के अनुसार आज यानी गुरुवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तटीय आंध्र प्रदेश में ही 17 और 19 तारीख को भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि 18 नवम्बर को रायलसीमा, दक्षिण तटीय और आंध्र प्रदेश और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु तट पे भी अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बुधवार को जारी प्रेस वार्ता में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तटीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है, और इसमें छुटपुट बारिश हो सकती है, और अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे और अगले 2 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कहा गया है कि बारिश का अनुमान है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में तूफान के साथ बिजली कड़क सकती है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। हालांकि यहां अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं तेलंगाना और केरल में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिलेगा और देर रात से ही कोहरा आने लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के लोधी रोड पर आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा नजर आ सकता है और धुंध भी रहेगा।
कंपनी इस इवेंट में भारत को लेकर अपने प्लान्स शेयर करती हुई नजर आई है और इस साल भी कंपनी अपने नए प्लान्स को लेकर इवेंट में रखेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी के फीचर्स भी पेश कर सकती है। बता दें कि गूगल का ये 7वीं गूगल फॉर इंडिया इवेंट होने वाला है। कोरोना से पहले ये फिजिकल इवेंट हुआ करता था, लेकिन अब ये वर्चुअल की आयोजित किया जाएगा। इसकी खासियत की बात की जाए तो आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर हर साल कंपनी इवेंट को आयोजित जरूर करती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सीरीज भारत में फिलहाल लॉन्च नहीं किया जाएगा। कंपनी इस बात पर पुष्टि कर चुकी है। आपको बता दें कि गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी ने भारत में पेमेंट प्लेटफॉर्म तेज को भी लॉन्च किया था और इसके बाद उसे गूगल प्ले पर भी कर दिया गया था। इस बार कंपनी भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स में भी फीचर्स देगी। बता दें कि इस इवेंट की शुरुआत आज से सुबह की बात की जाए 10 बजे का टाइम दिया गया है और कंपनी ने कहा है कि इसके साथ ही इस सफर में यहाँ तक आ गए हैं। अगर कंपनी अच्छे से चलेगी तो इसको लेकर भी आगे जो इसमें चेंजेस लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ही प्रदेश के पूर्वी शहर, प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे के मध्य से देश की राजधानी ही जुड़ जाएगी। 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो आइए देखते हैं इसकी खासियत क्या है। यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा। करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद तराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद तराय गांव से शुरू होगा, जो गाजीपुर में एनएच 31 पर स्थित है। हजरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस एक्सप्रेसवे से सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ दिनों तक यह सफर मुफ्त रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया जाएगा। यह कंपनी जल्द ही प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेंगी और इसके बाद टोल बूथ पर टोल लगेगा। माना जा रहा है कि इसकी दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की दरों के आसपास ही रखी जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में मात्र 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। सब्जी और दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तो तैयार हो गया है और इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सुविधाएं यहां मौजूद नहीं है। 341 किलोमीटर के सफर में ना तो रास्ते में पेट्रोल मिलेगा, ना ही टॉयलेट, और अगर गाड़ी खराब हो गई तो गैराज भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी व्यवस्था भी नहीं हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। UPEIDA का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर फ्यूल पंप और 4 जगहों पर CNG स्टेशन बनाए जाने हैं। इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुल्तानपुर से 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है,
जरूरत पड़ने पर वायुसेना एक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए कर सकती है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दाव अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात अब भी गोटियां बिछाने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल तमाम पार्टियां अपनी सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। 2022 का मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने लगभग सेट कर दिया है। साफ है यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाएगी और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो देखना काफी पसंद करते हैं लोग, लेकिन लोग उनकी हरकतों और भाव से ज्यादा प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर लोग सबसे ज्यादा बंदरों को ही देखना पसंद करते हैं। बंदरों का चंचल स्वभाव और क्यूट सी हरकतें लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि बंदरों को बच्चे बहुत पसंद आते हैं और बच्चों के साथ खेलना भी पसंद आता है। तो इंसान और बंदरों की मस्ती देखिए। बंदर भले लोगों को परेशान करें, पर उनकी हरकतें देखने वालों को बहुत क्यूट लगती हैं और बाद में उन्हीं किस्सों को याद करके लोग खूब ठहाके भी लगाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक बंदर एक बच्चे से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में एक छोटी सी लड़की और एक बंदर को मोबाइल के लिए आपस में झगड़ते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में ये छोटी सी लड़की इस बात से बेहद अनजान है कि उसे मोबाइल की ये जिद करनी है। दरअसल वीडियो में एक छोटी बच्ची घर के बाहर चारपाई पर बैठी नजर आ रही है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो उससे खेलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक बंदर वहाँ पहुँचता है और लड़की के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर बच्चा फिर बंदर के हाथ से फोन छीन लेता है। वो सिर्फ एक पल के लिए फोन रख पाती है क्योंकि बंदर फिर से उससे फोन छीन लेता है। इस दौरान बच्ची निडर अवस्था में बंदर से मोबाइल छीनने का प्रयास करती है, पर जो भी हो सोशल मीडिया पर यह वीडियो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। यहां तक कि इंस्टाग्राम पर इसे लाखों लोग देख चुके हैं और करीब 1.47 लाख यूजर्स। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्य न्यूज के साथ।